चलो मेरा नाम अंतज है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। मेरे गांव का नाम महबूबपुर बुजुर्ग है और मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर देवेंद्र सिंह है। और मैं मुझे काफ़ी साल हो गए पार्लर का काम करते करते मुझे कहीं से पता चला कि हमारे बिजनौर में हल्दौर में PNBRCT है और मुझे वहाँ से किसी ने बताया कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दो, आपकी एक मंथ की ट्रेनिंग फ्री मिल जाएगी वहाँ से। मैंने वहाँ फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के एक साल बाद मेरे पास कॉल आई और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया वहाँ पर। मैंने इंटरव्यू पास किया, इंटरव्यू के बाद हमारी क्लास स्टार्ट हो गई अगले दिन से। इस दिन हमारी क्लास चली और उस क्लास में काफ़ी सिखाया गया, बहुत अच्छा काम सिखाया गया हमें पार्लर का, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला और एक अच्छा उद्यमी बनने के लिए किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए वो सारी चीज़ें हमें सिखाई गई उसमें। उसके बाद मैंने वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद, वैसे तो काफ़ी सर्टिफिकेट थे मेरे पास और लेकिन सरकारी सर्टिफिकेट नहीं था मेरे पास, जो मुझे PNBRCT से मिला। और उसके बाद मेरा सपना था कि मैं शहर में पार्लर करूँ, पहले मैंने गांव में ही पार्लर कर रखा था छोटा सा और धीरे धीरे उसको बड़ा करती रही गांव में ही। लेकिन गांव में ऐसा वो नहीं रहता, कितना भी काम कर लो लेकिन गाँव में अलग ही तरीके का काम रहता। तो मेरा सपना था कि मैं शहर में काफ़ी बड़ा पार्लर बनाऊँ और अपना काम वहाँ पर स्टार्ट करूँ। तो RCT से ट्रेनिंग करने के 6 महीने बाद ही मेरा ये सपना साकार हुआ और मैंने अपना काफ़ी बड़ा पार्लर नाटोरी में बनाया और धीरे धीरे अपना काम चलता रहा वहाँ पर और काफ़ी अच्छे कस्टमर मेरे बन गए वहाँ पर, बहुत अच्छा काम चल गया था। और जो मेरी ब्राइडल थी, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है मुझे उनसे। और उसी बीच मुझे सेलिब्रिटी का मेकअप करने का मौका मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे सेलिब्रिटी का मेकअप करने का मौका मिला और मैंने काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ अवार्ड भी ले चुकी हूँ। दीपिका सिंह ने मुझे अवार्ड दिया मेकअप को लेके ही, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनसे अवार्ड लेके। ये तानिया शर्मा है, बहुत अच्छी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इनसे भी मुझे अवार्ड मिला है। और अमीषा पटेल जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके और बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनके हाथों से अवार्ड मिला मेकअप को ही लेके। मैंने मेकअप किया था, उसी का अवार्ड मिला मुझे इनसे। अनुराग आर्यवर्धन है हमारे मुंबई के, बहुत बड़े गुरुकुल से हैं ये और बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं। मेरा सपना था कि मैं इनसे इनकी क्लास लूँ, वो क्लास मैं इनसे ले चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे इनकी क्लास लेके। संजय सर मुंबई के, इनकी भी मैंने क्लास ली, जावेद हबीब हैं, इनकी भी मैंने क्लास ली मुंबई से। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनकी क्लास लेने के लिए जाती हूँ और मैं अपने काम में आगे बढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर वाले उस पर प्राउड फील करते हैं, तो मुझे भी ये लगता है कि मैं अपना इसमें और आगे बढ़ूँ और अपने जो सपने हैं वो पूरे करूँ। इस पार्लर के काम को लेकर मैंने अपनी सरकारी जॉब करती थी, मैं सरकारी हॉस्पिटल में, वो भी छोड़ दी मैंने। मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है मुझे, मंथली के 25 से 30 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं। 4 लड़कियां मेरे पास जॉब पे हैं और 8 लड़कियां मेरे पास काम सीख रही हैं, जो इस टाइम ट्रेनिंग ले रही हैं पार्लर की। और लगभग सीज़न भी हमारा बहुत अच्छा रहता है, अच्छी इनकम हो जाती है हमारे सीज़न में। और इसमें धीरे धीरे अपना यही है कि आगे को बढ़ते रहे। और PNBRCT से ट्रेनिंग ली मैंने, बहुत अच्छा लगा वहाँ से सीखने के बाद, और उसी से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली ताकि मैं इसमें आगे बढ़ती रहूँ। और मेरा बस यही सपना था जो धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है और आगे इसमें मुझे बहुत आगे जाना है, उसी कोशिश में अभी लगी हुई हूँ। बस ये मेरा कहना कि हर किसी को अपने पर डिपेंड रहना चाहिए, किसी दूसरे पे नहीं, जितना हो सकता है करो। लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा काम सीखें और अपना मतलब बिजनेस करना चाहिए, सभी से मेरा यही कहना है। और हमारे बिजनौर में जो RCT हल्दौर में है PNBRCT, उसका मुझे बहुत सपोर्ट रहा, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं, दिल से धन्यवाद करती हूँ RCT स्टाफ का और आपकी RCT का कि इतना सपोर्ट मिला और मैं इतनी आगे बढ़ी उनके सपोर्ट से, बहुत अच्छा लगा। मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू।